आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी अच्छा होंगे, डिनके थिएटर आ चुके हैं। कैसे लगा थिएटर और क्या कहना चाहेंगे? शॉर्ट शॉर्ट डिजास्टर ट्रेलर है भाई, बहुत बकवास ट्रेलर लगा हकीकत में। ठीक ठाक भी नहीं बोलूंगा, एवरेज भी नहीं, बकवास लगा मेरे को। मतलब अभी एक बार देख लिया, अब सेकंड टाइम देखूंगा ही नहीं उसको पिक्चर देखने तक, इतना बकवास ट्रेलर लगा मेरे को। प्रॉब्लम क्या हुआ ट्रेलर में? मतलब लग ही नहीं रहा है, वो एक नॉर्मल सी राजकुमार राव या आयुष्मान खुराना वाली मूवी का ऐसा लग रहा है। वो ट्रेलर देख लिया मैंने, मतलब क्या है ये, मतलब समझ नहीं आ रहा है, बिल्कुल नहीं समझ आ रहा है। शाहरुख खान या सॉरी राजकुमार हिरानी की बाकी फिल्मों के जो भी ट्रेलर है वो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, लेकिन फिल्म बहुत अलग फिल्म अलग होती है। सही बात है, वही अभी जो भी बचा है, अभी थोड़ा बहुत ट्रस्ट राजकुमार हिरानी पे बचा है कि मूवी ठीक अच्छी निकल जाएगी। बाकी ट्रेलर तो कसम से डिसअपॉइंटमेंट, बहुत गंदा ट्रेलर लगा। इमेजों की तो उसके हिसाब से नहीं है, कुछ भी नहीं है भाई, कुछ भी नहीं है। ना मेरे को ह्यूमर काम किया, ना मतलब कोई फिल्म का स्केल, ना उसका पंजाबी एक्सेंट, फेक एक्सेंट, और ऐसा लगता है ना हलक से बोल रहा है एकदम, कुछ अजीब ही लगा मेरे को। ऐसे मुंह से नॉर्मल नहीं बोल रहा, ऐसा लग रहा है हलक या नाक से बोल रहा है शाहरुख खान डायलॉग्स। लाल सिंह चड्ढा वाला फील है, और लाल सिंह चड्ढा में तो भी उसने थोड़ा ठीक बोला है, इसका तो एक्सेंट भी मेरे को खराब लग रहा है। क्या किया है क्या मालूम, इतना डेडिकेशन से शाहरुख हर पिक्चर करता है यार, अपन पहले से देखते आ रहे हैं, इसमें डेडिकेशन नहीं लग रहा है मेरे को जरा भी। फिल्म का स्टोरी कितना अलग यूनिक लग रहा है। हाँ स्टोरी अगर बोल रहे हो तो थोड़ा इंटरेस्ट आ रहा है कि लाइक इलीगल लोग जाते हैं तो उसके बारे में कुछ अलग तो है स्टोरी में, और राजू हिरानी है तो थोड़ा भरोसा तो है। बाकी ट्रेलर अगर आप बोल रहे हो खाली ट्रेलर बोलो, राजू हिरानी भूल जाओ, एक फिल्म का ट्रेलर बताओ तो एकदम बकवास ट्रेलर। अरे इसमें वो दिखाया है कि इंग्लैंड लोग हमारे इंडिया में आगे राज किए तो लोगों को हिंदी थोड़ी आती है। हाँ हम लोग को क्यों, वो भी बकवास सीन लगा, वो खाली मतलब इमोशन जगाने के लिए बोला है, वो क्या मतलब है, उन लोग आए थे इतने सालों साल पहले, मतलब कोई मतलब नहीं है मेरे हिसाब से, तो वो कोई मतलब नहीं है वो सीन। कॉमेडी कैसे लगी? नहीं नहीं कुछ भी काम नहीं किया मेरे लिए, कुछ भी नहीं। कोई भी पहले का एक मिनट तो भी ठीक था ट्रेलर का, उसके बाद तो कहाँ से कहाँ कुछ भी एकदम बता रहा है। राजकुमार हिरानी जिस तरह की फिल्में बनाते हैं थोड़ा आउटडेटेड लग रहा है। हाँ थोड़ा आउटडेटेड, मतलब ऐसा लग रहा है, बोल रहा हूँ टिपिकल राजकुमार राव वाली नहीं क्या, और 50-40-50 करोड़ों की बजट वाली फिल्म, छोटा मोटा स्टार राजकुमार राव आयुष्मान खुराना करते ना, वैसी मूवी लग रही है, और इसका बजट भी कम है बता रहे। मुझे लग रहा है ये फिल्म, मेरे को क्या लग रहा है ना, गड़बड़ हुई है कुछ फिल्म में, इसलिए बजट भी लोग कम बता रहे। शाहरुख खान ही खुद 100 करोड़ फीस लेता है यार, अगर उसकी फीस हटा भी तो चलो, अगर प्रोडक्शन हाउस में है तो विक्की कौशल है, तापसी पन्नू है, और भी स्टार थे, बोमन ईरानी, 80 करोड़ में तो मेरे को नहीं लगता ये फिल्म बनी होगी कोई हाल में। रेटिंग क्या रहेगी 5 में से आपकी फिल्म को लेकर? दो स्टार बकवास लगा मेरे को। गाने वगैरह जो भी आए थे वो कैसे लगे? गाने भी एकदम बकवास हो, तो आपको पहले रिव्यू में भी बोला मैं, एकदम बकवास गाने लगे। टीजर तो भी थोड़ा मुझे ठीक लगा था, अगर ये सब गाने और ट्रेलर के मतलब थोड़ा बहुत ठीक टीजर लग गया था। शाहरुख खान का एक यंग और एक बकवास बकवास मेरे को क्या लग रहा है ना, 80 करोड़ के बजट में 75 है ना उसके मुँह पे ही लगा दिया है करोड़ों VFX के लिए, कुछ ज़्यादा ही VFX किया है, मतलब सब करते हैं भाई, हर स्टार करता है, नो नो डाउट नो डाउट, बाकी बहुत ज़्यादा एकदम ऐसा लग रहा है, बहुत यंग दिखा दिया है उसको। चलिए बहुत शुक्रिया।